हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन चैन कैसे देखें। अगर दोस्तों आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पता है कि ऑप्शन चैन का कितना ज़्यादा यूज होता है। तो यार, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन चैन किस प्रकार से देखते हैं। अगर दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, तो यार मैंने अपने यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखी है कि सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां जाके आप उस वीडियो को देख लेना कि सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ यही बात करेंगे कि सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन चैन कैसे देखें। तो यार, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे आपको शेयर मार्केट और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो और चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ, किस प्रकार से आपको सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन चैन देखनी है। तो गाइस, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं आ गया हूँ सुन एप्लीकेशन के अंदर। अगर दोस्तों अभी तक आपने सुन एप्लीकेशन में अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो दोस्तों अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर दोस्तों आपका सुन एप्लीकेशन में फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट एक्टिव नहीं हो रहा, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट या फिर बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाके आप मेरे को मैसेज कर दो कि मुझे इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा। तो और अभी चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो गाइस, जैसे आप सुन एप्लीकेशन में लॉगिन कर लोगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप नीचे की साइड पे देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वॉच लिस्ट का, ठीक है। यहाँ पर आपको एनालिस्ट का, डैशबोर्ड का, पोर्टफोलियो का और दोस्तों ऑर्डर्स का। तो गाइस, यहाँ पर आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट पे आ जाना है ऑप्शन चैन देखने के लिए। अब दोस्तों, जैसे मैं वॉच लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी कुछ वॉच लिस्ट शो हो जाएंगी, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर। दोस्तों, यहां पर आपकी टोटली वॉच लिस्ट शो हो जाएंगी। इन वॉच लिस्ट में आप अपने शेयर को ऐड कर सकते हो। तो गाइस, यहां पर देखो, एक वॉच लिस्ट में 50 से 60 शेयर को ऐड कर सकते हो। तो गाइस, यहां पर आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको ऑप्शन चैन देखनी है। अगर ऑप्शन चैन आपको किसी शेयर की देखनी है, तो यहाँ पर आपको उस शेयर का नाम लिख लेना है, या फिर आपको किसी इंडेक्स की ऑप्शन चैन देखनी है, जैसे कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50, उसकी ऑप्शन चैन देखनी है, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, ठीक है। दोस्तों, जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है निफ्टी, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी लिख रहा हूँ और बीच में स्पेस देके IND कर देना, ठीक है। अब दोस्तों, जैसे आप ये कर दोगे, तो दोस्तों नीचे की साइड पर आप स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक शो हो जाएगा और निफ्टी 50 शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको प्लस क्लिक करके इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर मैं इसको वॉच लिस्ट में कर लेता हूँ ऐड दोनों को, ठीक है। अभी दोस्तों, यहाँ से मैं हो जाता हूँ बैक। अब दोस्तों, बैक होने के बाद यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी शो हो जाएंगी। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेंज देखनी है। तो यार, यहाँ पर आपकी जो बैंक निफ्टी, आपको इस पर कर देना क्लिक की। अब दोस्तों, जैसे आप बैंक निफ्टी पर क्लिक करोगे, आपको कुछ प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपकी जो बैंक निफ्टी 47,700 के आसपास चल रही है। तो गाइस, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपको चार्ट का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको ऑप्शन चैन का। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको सुन एप्लीकेशन में ऑप्शन चैन किस प्रकार से देखते हैं। तो गाइस, अगर आपको चार्ट देखना है, तो यहाँ पर आपको चार्ट पे कर देना क्लिक की। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन चैन किस प्रकार से देखते हैं सुन एप्लीकेशन में। तो गाइस, सिंपल सा आपको ऑप्शन चैन पे कर देना क्लिक की। अब दोस्तों, जैसे आप ऑप्शन चैन पे क्लिक करोगे, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस को मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, आपको पता है ऑप्शन चैन में होती है एक्सपायरी। अभी यहाँ पर देखो, ये 3 जनवरी की एक्सपायरी शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर देखो, 10 जनवरी की एक्सपायरी शो हो जाएगी। और उसके बाद और स्लाइड करोगे, तो यहाँ पर आपको 17 तारीख की एक्सपायरी शो हो जाएगी। तो गाइस, अभी यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा 5, 10, 15, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, मतलब 5 का मतलब होता है यहाँ पर आपको 5 स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलेंगे, 10 का मतलब होता है 10 और 15 का मतलब 15। तो गाइस, अभी देखो मैं 15 पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस, अभी यहाँ पर देखो, जो स्पॉट प्राइस होता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखो, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारा ब्लैक पट्टा होता है, इसे बोलते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है। अभी देखो, 47,700 के आसपास जो कि मार्केट चल रही है, यहाँ से ऊपर की साइड पे 15 स्ट्राइक है और नीचे की साइड पे 15 स्ट्राइक है, ठीक है। अब दोस्तों, आपको पता है जो यहाँ पर हमारी ऑप्शन चैन होती है, उसमें होती है OTM
और ITM और ATM। अब दोस्तों अगर आपको ये नहीं पता कि ITM क्या होती है, OTM क्या होती है और ATM क्या होती है, तो दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो बनाई है कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है और सही स्टैक प्राइस को कैसे करके सिलेक्ट करते हैं। तो और उस वीडियो को देखने के लिए ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहाँ जाके आप देख सकते हो कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो हमारा इस साइड के होते हैं सारे कॉल ऑप्शन, ठीक है, और इस साइड पे हमारे होते हैं पुट ऑप्शन। अब दोस्तों आपको ये तो पता है कि कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं और पुट ऑप्शन हम कब बाय करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। अभी दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि अभी बैंक निफ्टी 47,700 के आसपास चल रही है और हमारा मार्केट का व्यू है कि मार्केट ऊपर की साइड पे जाएगी, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप कॉल ऑप्शन बाय करोगे या फिर पुट ऑप्शन बाय करोगे। तो गाइस अभी यहाँ पर देखो सारे डॉट क्लियर हो गए और यहाँ से आप अपनी ऑप्शन चैन देख सकते हो शून्य एप्लीकेशन में। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर निफ्टी 50 की भी ऑप्शन चैन देख सकते हो, जैसे कि आपने बैंक निफ्टी की देखी सेम वैसी आप निफ्टी 50 की भी ऑप्शन चैन देख सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों और अच्छे आपको क्लियर से देखना है तो आप गूगल पे जाके NSE की वेबसाइट पे जाके आप ऑप्शन चैन देख सकते हो निफ्टी 50 की, ठीक है। फिलहाल दोस्तों यहाँ से भी आप बड़े अच्छे से समझ सकते हो ऑप्शन चैन को, तो सिंपल सा कुछ इस प्रकार से आप शून्य एप्लीकेशन में ऑप्शन चैन देख सकते हो। तो गाइस आई होप यार आप वीडियो समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों अभी आपके लास्ट में दो वीडियो शो होती होंगी, दोनों में से किसी एक वीडियो को देखिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। बस मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।